नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में दुख, तकलीफ और गरीबी से परेशान हैं? पैसों की कमी से परेशान हैं? पैसा आता है लेकिन आपके घर में टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची में या फिर बीमारी की दवाई में ही खर्च हो जाता है? तो हमारे इस वीडियो में बताए हुए थोड़े से गुड़ का वह उपाय कर लीजिए जो केवल रविवार के दिन किए जाते हैं। आपके जीवन में कैसे भी समस्या हो, कैसा भी दुख हो, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से हार चुके हो, तो दोस्तों अगर आप गुड़ का उपाय कर लिया जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो न केवल अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती हैं नकारात्मकता को दूर करने में हमारी मदद करती है और घर में पॉजिटिव शक्तियों का वास लाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि घर में रखी चीजें नकारात्मकता को दूर में मदद करती है और पूरे जीवन में समृद्धि का कारक बनती है। ऐसी ही चीजों में से एक चीज है गुड़। आपको बता दें दोस्तों, गुड़ हमारे भारतीय किचन का एक मुख्य हिस्सा होती है। गुड़ में मौजूद कई औषधीय गुणों की वजह से इसे कई तरह की खाने की सामग्री में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो माना जाता है जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है गुड़। दोस्तों, गुड़ के कुछ आसान टोटके और उपाय करके हम अपने लिए एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, और ना केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि पूरे घर को धन और धान्य से संपन्न बना सकते हैं। आप जानकार वाकई हैरान हो जाएंगे कि गुड़ जो है आपके जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख सकता है। गुड़ ऐसी चीज है जो हर किचन में आसानी से मिल जाता है, मगर यह केवल खाने के ही काम नहीं आता है बल्कि कई और भी फायदों के लिए प्रयोग किया जाता है जो हमारे घर को सुख समृद्धि से जोड़ देता है। इस वीडियो में आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी जाएगी बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, परंतु दोस्तों ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में कोई सबसे ज्यादा श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। दोस्तों यकीन मानिए इसमें आपको गुड़ खाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ गुड़ के टुकड़े आपको चाहिए और हमारे वीडियो में बताए हुए उपायों को सही तरीके से आप कर लीजिए। न केवल आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी जाएगी बल्कि अपने जीवन में आप सुख समृद्धि आते हुए देखेंगे। हो सकता है आपको ये सारे उपाय अंधविश्वास की बातें लगे, परंतु दोस्तों ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में कोई सबसे ज्यादा श्रेणी में रखा गया है। कहा जाता है कि जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए गुड़ का उपाय किया जाए तो कभी भी ये उपाय विफल नहीं जाता है। रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य जी को समर्पित होता है। सूर्य जी के हाथों में ही आपके जीवन के ग्रहों का नियंत्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि अकेले आप केवल सूर्यदेव जी की पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो ना केवल आपके आपको अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे बल्कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो आपने यह बात भी देखी होगी कि जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वह प्रत्येक रविवार को भगवान सूर्यदेव जी को जल अर्पित जरूर ही करते थे, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों हो गए या लोग हो गए उनकी यह बात पता है दोस्तों कि भगवान सूर्यदेव जी को अगर जल भर लोटा अर्पित कर दिया जाए तो उनकी वह कृपा मिलती है कि जिसके जीवन से यह प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। परंतु दोस्तों आपको यह बात नहीं पता होगी कि आखिर सूर्य देव जी को जल अर्पित कैसे किया जाता है, जल में क्या क्या चीजें डालकर अर्पित की जाती है जिसके हमारे जीवन से हार की समस्या समाप्त हो जाए। वह सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। गुड़ के वह उपाय हम बताएंगे जो आपने रविवार के दिन 2, 4, 5, 6 मिनट निकाल करके कर लिए तो ना आपके जीवन के हर दो हक से आप मुक्ति मिल जाएगी,
बल्कि सूर्य देव जी की कृपा से आपके तारे, आपके ग्रह, आपके राहु, आपके केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। आपके जीवन में आपके ऊपर वर्षा होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रही, भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से जीवन में आप बहुत करीब, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों अगर आप भी सच्चे सूर्य भक्त हैं तो दोस्त पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, अब जितनी भी हम आपको उपाय जा रहे हैं यह ऐसे सटीक उपाय हैं जिन उपायों में आपका केवल 5-6 मिनट रविवार के दिन समाप्त होगा और इन उपायों को करने के बाद आप जीवन में खुद एक चमत्कारी बदला देखेंगे। इसीलिए सारे उपायों को कहीं पर लिख लीजिए। इन उपायों को करने की मुहूर्त तो क्या है वह भी लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रयोग है वह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन के हर प्रकार के दोष को समाप्त कर देगा। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, को उसका फल नहीं मिलता है। आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आप इसको लेकर के बड़ा ही परेशान है। इसकी मुख्य वजह है क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है कि आपके जीवन में मंगल दोष, शनि दोष है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दोष है, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि पर चला गया हो। तो दोस्तों हर प्रकार के दोष के लिए आपको अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये उपाय लगातार 11 रविवार कर लीजिए। 11 रविवार के बाद आप खुद की, आपके जीवन में जो भी आपका दोष है वह हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। परंतु इसके लिए कुछ चीज आपको चाहिए होंगी। जैसे एक तांबे का लोटा आपको लेना है। प्रत्येक रविवार को नहाने धोने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, 2-4 बूंद दीजिएगा गंगा जल। किसी भी पूजा घर में 10-12 रुपए का मिल जाता है। तो गंगा जल डालने के बाद उसमें आप 21 चावल के दाने डालने हैं, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है। कुमकुम का मतलब होता है जो आप लोग तिलक लगाते हैं उसमें कुमकुम का प्रयोग होता है। पूजा घर में बड़े आराम से मिल जाती है। कुमकुम थोड़ा सा डाल दीजिए, एक चुटकी एक लाल गुलाब डाल दीजिए और थोड़ी सी गुड़ की ढेली डाल दीजिए। सुबह नहा लिया आपने, धो लिया, सफेद का धारण कर लीजिए, अपने घर की छत पर जाइए। अब आपको यही पानी जो आपने, जिसमें आपने कुमकुम चावल है, ये आपको भगवान सूर्य देव जी को चढ़ाना है। अब सूर्य देव जब आप ये अर्पित करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी रहा है उसकी गिरती हुई धार से ही आपको सूर्य देव जी को देखना है और ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहना है। जितनी देर पानी गिरेगा यह उपाय आप 11 रविवार कर लीजिए। तो दोस्तों आप जीवन में कैसा भी दोष, मंगल दोष, शनि दोष, सूर्य दोष, चंद्र नीच राशि पर हो, उसका प्रभाव ना हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यह एक महाउपाय जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय महाउपाय है। तो इस बात पर तुरंत ही वीडियो लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय भगवान सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय है जॉब प्राप्ति का महाउपाय। आप ये देख रहे हैं कि आपसे कमजोर व्यक्ति की जॉब लग गई है और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हैं कि जॉब नहीं लग पा रही और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही तंग आ चुके हैं, बड़ा परेशान हो गए। तो आपको यह करना, देखिए 11 रविवार आपको यह उपाय करना है जो आप बताने जा रहे हैं और आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको एक जॉब मिलेगी ही मिलेगी। क्या करना है आपको, प्रत्येक रविवार को सबसे पहले नहा लीजिए, धो लीजिए। आप लोग जल भी चाहे तो भगवान सूर्य देव जी को चढ़ा सकते हैं, या जो अभी हमने आपको जो मिश्रण बताए थे, चावल, गंगा जल और गुड़ के, उस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं। भगवान सूर्य देव जी को जल चढ़ाने के बाद 100 ग्राम, 500 ग्राम जैसी आपकी थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए, किसी भी मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। ये उपाय करने के बाद सूर्य देव जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि जॉब लगने में जो आपकी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं समाप्त जाएंगे और भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी मनचाही जॉब आपको मिल जाएगी। दोस्तों इसको करके आप अपने जीवन में हर प्रकार के दुहक से बच सकते हैं। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है बाधाओं पानी से मुक्ति का उपाय।
दोस्तों में एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप छोटे छोटे भी काम करते हैं, आप देख रहे हैं उसमें लगातार बाधाएं रही हैं, आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं तो वह बाधाओं की वजह से हो, तो आपको क्या करना है, कोई भी दिन हो, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, कोई भी दिन हो, घर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और पानी ले लीजिएगा और उसके बाद निकलेगा। अब मान लीजिए आपको डायबिटीज है, आपको क्या करना है, आप घर से निकलने से पहले एक लाल कपड़े में थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख कर के अपने दाएं जेब में रख दीजिएगा और फिर अपने काम के लिए जाएगा। अब मान लीजिए जेब भी नहीं है आपके पास, तो अपने बैग में रख बस अपने साथ, थोड़ा आशा गुरु माना जाता है गुड़ साथ में रखने से, आपके ऊपर जो आने दोष बाधाएं होता है वह गुड़ सुख लेता है और आपके कार्य में सफल हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आपके जीवन में दुर्भाग्य एकदम आपके पीछे ही पड़ गया है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान, तो 5 रविवार या उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। यह एक महा उपाय है, ये आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी ये उपाय जानते होंगे। देखिए, एक गाय जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का होता है, गाय की सिंह के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। मतलब गाय जो है वो ऐसी हमारी माँ नहीं कही गई है। दोस्तों, गाय को माँ कहने की कई वजह है, तो अगर आप लोग लगातार 5 रविवार अपने घर पर 11-11 रोटी करके उस पर थोड़ी सी गुड़ की ढेली रख करके किसी भी गाय को खिला देते हैं जो आपके घर के पास टहलती रहती है, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के महादेव मां लक्ष्मी माता गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने जीवन में अपने भाग्य से मुक्त हो जाएंगे। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही साधारण सा उपाय है। दोस्तों, अगर आप हैं कि आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियों से आपको मुक्त मिल जाए तो क्या करना चाहिए, देखिए आप लोगों को रविवार के दिन, रविवार का दिन क्योंकि भगवान सूर्य देव जी का दिन होता है, इस दिन अगर लोग एक कंबल हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे किसी गरीब की मदद हो सके, उसमें थोड़ा सा गुड़ रख करके दान कर दीजिए, कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, छतरी हो गई ऐसी जिससे किसी भी गरीब व्यक्ति का मदद हो सके, या चावल ही हो गया है इसमें थोड़ा गुड़ रख करके किसी भी व्यक्ति को जो मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक होते हैं उनको दान कर दें, तो इससे आपको सूर्य देव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी फिजूल खर्ची हो रही है वो भी फिजूल खर्ची रुक जाती है, आपके जीवन में जो परेशानियां दिक्कत है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर जॉब और कारोबार में बार बार मिल रही असफलता से परेशान है तो इस दिन गुड़ और चावल का उपाय करने से आप खास लाभ होगा। गुड़ और चावल को मिश्रित करके रविवार के दिन इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ऐसा करने से मनचाही जॉब मिलती है और कारोबार में भी तरक्की होती है। कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर शुभ नहीं हो तो व्यक्ति बनाए काम भी अक्सर बिगड़ जाते हैं, ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं। इससे बचने के लिए रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और जीवन में रही सारी परेशानियां दूर होती है। कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, पुत्र पिता के संबंध बिगड़ जाते हैं, इसके लिए रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। ओम सूर्य आदित्य मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन सूर्य को ब्रह्मा मुहूर्त में अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है। रविवार के दिन तांबा, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल का दान जरूर करना चाहिए। पूजा स्थल पर सूर्य यंत्र की स्थापना करें और प्रतिदिन उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा कर सूर्य देव की विशेष कृपा होती है, सर कार्य में सफलता मिलती है। अगर आप हर दिन सूर्य देव की उपासना नहीं करते हैं तो भी रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मुश्किलें दूर करते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।